सभी के सामने बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और यहाँ पर ये सारे प्रश्न, दोस्तों आप सभी का स्वागत है। ये सारे प्रश्न आपकी सीटेट तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ से हम शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है? दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय या दूरी मापने की असमर्थता। मेरे साथ आप सभी भी अपना माइंड सेट कीजिए इन प्रश्नों पर और जवाब दीजिए सही ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 49 है आप सबके सामने और गेस करते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में सही जवाब होगा दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। ये संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या को सूचित नहीं करता। अगर बच्चे दिशा निर्देश में अनुसरण करने में समस्या है तो ये दृष्टिबाधिता से संबंधित नहीं है, यानी अंधेपन से इसका क्या मतलब होगा, है ना? सोचिए। वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है उनको कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके या मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। क्वेश्चन नंबर 50 में दूसरा विकल्प, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, ये 50 का दूसरा विकल्प आप सबकी स्क्रीन पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH कहाँ स्थित है? शिमला में, कोलकाता में, देहरादून या दिल्ली? 51 सही जवाब होगा भाई देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? देहरादून बिल्कुल सही जवाब होगा आपकी स्क्रीन पर, देहरादून। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? जो बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े हैं कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? क्वेश्चन नंबर 52 सही जवाब होगा, कार्यों को मूर्त रूप से समझना नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं भी होगा, ये भी नहीं, दूसरा विकल्प सही होगा, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए ये व्यूह रचना प्रभावी होगी। अगला प्रश्न देखिए, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? समायोजन की, कुरूपता की, मानसिक असंतुलन की या शारीरिक न्यूनता की? क्वेश्चन नंबर 53, पहला ऑप्शन समायोजन, विकलांग बच्चों में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है समायोजन। ये सामान्य बच्चों के साथ समायोजन करने में इनको बड़ी कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? कई बार ये क्वेश्चन आपके सीटेट की परीक्षा में पूछता है कि धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा 75 से 90 के बीच के जो IQ वाले बच्चे होते हैं ये धीमी गति से सीखते हैं, ठीक है, इनके सीखने की गति जो है ये स्लो रहती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो बालक शिक्षा पाने में पूर्ण रूप से अयोग्य हैं, 75 से 90, 50 से 70, 0 से 25 या 25 से 50? क्वेश्चन नंबर 55 सही जवाब होगा दोस्तों यहां पर तीसरा विकल्प, 0 से 25 के बीच में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्धि पाई जाती है। अंधे बालक पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं अंधे बालक? ब्रेल लिपि पढ़ सकते हैं सामान्य, तो यहाँ पर केवल ब्रेल लिपि सही जवाब होगा अंधे बालक के लिए। और इसका जो वो था, खोज थी, वो लुइस ब्रेल ने किया था, उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए 57, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम में सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, ये कथन किसका है? 57 कुप्पू स्वामी, फ्रांसन, स्किनर या ड्रेवर? क्वेश्चन नंबर 57 सही जवाब होगा दोस्तों ये फ्रांसन का कथन है, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, ये फ्रांसन का कथन है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है, ये कथन किसका है? लैडेल का, ड्रेवर का, स्किनर का या क्रो एवं क्रो का? तो दोस्तों ये कथन है लैडेल का, उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता होती है।
विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, प्रेमपूर्ण, है ना, पहला ऑप्शन सही जवाब होगा। विकलांग बच्चों को शिक्षित करना क्या है, धन की बर्बादी, घाटे का सौदा, व्यर्थ का कार्य या सामाजिक कर्तव्य। तो दोस्तों, ये एक सोशल वर्क होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। विकलांग बच्चों को शिक्षित करना एक सामाजिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक रोगों से पीड़ित बालक की बीमारी के कारणों का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे किया जाता है, समाजमिति विधि द्वारा, व्यक्तिक इतिहास विधि द्वारा, नियंत्रित निरीक्षण विधि द्वारा या मनोमित विधियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 सही जवाब होगा, व्यक्तिक इतिहास विधि के द्वारा। दोस्तों, मानसिक रोग से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारण का पता लगाया जाता है उनके इतिहास को जान करके, समझ करके। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए अत्यंत सरल, अत्यंत बोझिल, क्षमताओं के प्रतिकूल या रुचियों के अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 62 सही जवाब होगा, रुचियों के अनुकूल। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए जो पाठ्यक्रम है वो रुचियों के अनुकूल होना चाहिए, चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और 6 और डी के बीच अंतर नहीं कर पाता तो ये क्या है, दृष्टिदोष, सीखने में अक्षमता, मानसिक दोष या मानसिक क्षय। क्वेश्चन नंबर 63, तो दोस्तों दूसरा विकल्प देखिए, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, अगर 16 को 61 लिखता है और 6 और डी के बीच अंतर नहीं कर पाता तो ये सीखने में अक्षमता कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, विकलांगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वे सहानुभूति के पात्र हैं। 64, उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है, उन्हें भी शिक्षित करना आवश्यक है या उनकी शारीरिक कमजोरी मानसिक कमजोरी को बढ़ाती है। तो दोस्तों 64 में दूसरा विकल्प, उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, 1992, 85, 75 या 82। 65 सही जवाब होगा, 1982 को यूनेस्को ने विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, 1982। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, अधिगम क्षमता वाले बालक, श्रवण दोष वाले बालक, दृष्टि दोष वाले बालक या ऑल ऑफ द अबव। 66, तो दोस्तों यहां पर चौथा विकल्प देखिए, ये सभी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन बालकों को रखा जाता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आप सबके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके वेरियस बैकग्राउंड से संबंधित, ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करें। थैंक यू सो मच, कमेंट करके बताएं कि सेशन कैसा था। थैंक यू सो मच आप सभी का।